नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम केंद्रीय नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और टिकट बंटवारे को लेकर अलग अलग धड़ों से बातचीत होनी शुरू हो गई है। पहले शैलजा आई, जो प्रदेश प्रभारी है सिंबॉलिक रूप से, उसके बाद भक्त चरण दास और उनकी टीम के सदस्य देहरादून पहुंचे थे। भक्त चरण दास कांग्रेस की वो शख्सियत है जिनके ऊपर टिकट बंटवारे का एक बड़ा दायित्व है। वो एक स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं और उत्तराखंड में जब वो अपनी टीम के साथ आए तो उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के कई नेताओं के साथ लंबी चौड़ी बातचीत की। भक्त चरण दास के बाद मल्लिकार्जुन खड़के उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़के मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भक्त चरण दास की कुछ सिफारिशें होंगी, शैलजा की कुछ सिफारिशें होंगी, वो मल्लिकार्जुन खड़के के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। यानी वो समय है चरम पर जब कांग्रेस के नेताओं में उत्सुकता दिखाई दे रही है। टिकट पाने की आस में कई लोग अलग अलग प्रकार के दावपेच भी चल रहे होंगे, अपने अपने पक्ष में कई लोगों को करने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि सीधा सीधा है कि जो कांग्रेस का आलाकमान है उसे रिझाने के लिए जिस प्रकार के भी माहौल की आवश्यकता है उसे बनाए रखने के लिए तमाम दावेदार एक तरीके से अपने सामर्थ्य को दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसके पक्ष में आलाकमान फैसला करेगा यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के भीतर जिस तरीके की इन दिनों चर्चाएं हैं, जिस तरीके का माहौल है, वो सीधा बताता है कि कांग्रेस चुनावी तैयारियों में उत्तराखंड में तो कम से कम तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस अपने कैंडिडेट को कितनी जल्दी चुनाव मैदान में उतार देगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी कांग्रेस का नेतृत्व फैसला ले लेगा उतनी जल्दी ही कांग्रेस का कैंडिडेट अपना प्रचार शुरू कर सकता है और जैसे ही नामों का ऐलान होगा कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी भी निश्चित रूप से दिखाई दे सकती है। लेकिन यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि मल्लिकार्जुन खड़के जब उत्तराखंड आएंगे तो किस तरीके से संवाद स्थापित करेंगे, किस तरीके से माहौल को बनाने की वो कोशिश करेंगे और उसका क्या असर एक कांग्रेसी जन पर होने जा रहा है। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।